लखनऊ की प्राचीन रामलीला समिति की ओर से रामलीला मैदान में दशहरे के दिन विजय दशमी पर्व मनाया गया। मैदान के आसपास चारों तरफ दशहरे मेले की धूम रही। हर तरह की दुकानें वहां सजी थी। मैदान में बने तुलसी रंगमंच पर लीला की राम स्तुति से शुरुआत हुई। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा मौके पर मौजूद रहे। सभी को विजय दशमी की बधाई दी। कहा कि इस रामलीला में जो आता है वह भगवान राम का हो जाता है। रामलीला के मंच पर मेघनाथ का वध हुआ और उसके बाद रावण वध के प्रसंग का मंचन किया गया। इस दौरान पूरे परिसर में जय श्री राम के उद्घोष से गूंजता रहा समस्त मैदान। आपको बता दें कि समस्त पदाधिकारियों की मौजूदगी में 80 फीट का रावण का पुतला फूंका गया। रावण के पुतले पर लिखा गया कि सनातन धर्म के विरोध का अंत हो। इसी के साथ जय श्री राम के उद्घोष से लखन नगरी गूंज उठी और शुरू हुआ आतिशबाजी का दौर।